गर्मा गर्म भुट्टे देख के सबका मन करता है भाई अब बारिश आ गई है, भुट्टों का सीजन आ गया है तो हम भुट्टे बनाकर खाएं, मार्केट से जाके लेते हैं। लेकिन घर पर देखिए कितने बढ़िया मैंने भुट्टे बनाए हैं, स्पाइसी भी हैं, चटपटे भी हैं और बटरी भी हैं, खूब सारे बटर के साथ और खूब सारे चाट मसाले के साथ बहुत ही बेहतरीन भुट्टे बने हैं। कुछ खास तरीका है बनाने का लेकिन बहुत ही आसान तरीका है, आपका मन कर रहा है ना बनाने का तो दिल नहीं लगाते, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये चटपटे बटरी भुट्टे बनाने के लिए दोस्तों मैं दो भुट्टे ले रही हूँ, आपको जितनी भुट्टे या छली कहते हैं आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं, तो ये अमेरिकन कॉर्न ले रही हूँ, आप जो भी भुट्टा लें बस उसको बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि आप उसे स्टीम करें, आप उसे पानी में उबालने से क्या होगा उसका फ्लेवर निकल जाएगा, थोड़े भुट्टे का जो छिलका होता है वो सख्त हो जाता है। तो भुट्टे को जब भी पकाएं सॉफ्ट करने के लिए उसे उबालें यानी कि स्टीम दें। तो देखिए मैंने एक पानी लिया है उबालने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, तो पानी मैंने थोड़ा सा एक आध गिलास डाल लीजिए, और स्टीमर कोई भी ले सकते हैं। देखिए मैंने पतीले पर आटा छन्नी रख दी है तो स्टीमर बन गया बढ़िया सा, अब उस पर डाल दूंगी भुट्टे रख दूंगी और उन्हें मैं अच्छे से स्टीम करूंगी। तो मैं पूरा भुट्टा बना रही हूँ, आप चाहें तो एक भुट्टे के तीन टुकड़े कर सकते हैं, तीन दो दो इंच के, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हें ढक्कन लगाइए और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें कुक कीजिए। तो मैं अब इन्हें 10 मिनट तक अच्छे से स्टीम कुक होने देती हूँ ताकि बहुत ही बढ़िया बन जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। आप देखेंगे जब मैं ढक्कन हटाऊंगी ना तो देखिए कितने बढ़िया रसीले भुट्टे बन गए होंगे। तो ये ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, देखिए कितने बढ़िया जो ये भुट्टे सिकुड़ गए थे सूख गए थे, अब ये स्टीम में पकने के कारण बहुत ही अच्छे जूसी और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए रख लीजिए और हम बाकी तैयारी करते हैं, हम क्योंकि बटर वाले भुट्टे बना रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, तो ये मैं निकाल कर रख लेती हूँ। तो बटर वाले भुट्टे के स्पेशल बटर तड़का के लिए हमें मक्खन चाहिए, ये मैंने मार्केट वाला अमूल बटर लिया है, आप घर कर रखा मक्खन या थोड़ा देसी घी ले सकते हैं। साथ ही मसालों मैंने लाल मिर्च लिया, नमक लिया है, थोड़ा चिली फ्लेक्स भी हैं, स्पाइसी आप कितना रखते हैं आप पर डिपेंड करता है, नींबू भी ऐड करेंगे बाद में। और यह है अजवाइन, आप 1 से आधा टीस्पून अजवाइन डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला जो आपका मन है ऐड कीजिए। तो बटर है, चाट मसाला, अजवाइन, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया से टेस्ट आएगा, थोड़ी क्रंचीनेस आएगी और अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए सारी हमारी सिंपल सी रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तैयार हो गए, लेकिन रेसिपी सिंपल नहीं है, रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप देख सकते हैं स्टीम कुक करने के बाद जो भुट्टे का एक एक दाना है एकदम सॉफ्ट और जूसी है, और ऐसे भी खाने में मज़ा आ रहा है। आप यूँ भी बटर वाले भुट्टा खा सकते हैं, नींबू मसाला लगा खा लीजिए। अब मैंने लिया एक चौड़ा पैन क्योंकि मैं पूरा भुट्टा सेकने वाली हूँ, इसमें पैन में सौते करने वाली हूँ, आपका इस बड़ा पैन नहीं है तो एक भुट्टे के जैसे पहले मैंने कहा टुकड़े लगा निकाल कर, जैसे हम कैफ़े वगैरह में जाते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े सर्व होते हैं वैसे कर सकते हैं। अब इस पर डाल देते हैं बटर थोड़ा सा, ये देखिए पैन में मैंने बटर डाला है अभी, और इसे हम कम आंच पर सेकने वाले हैं। जस्ट आप पैन को गर्म कीजिए, आंच को कम कीजिए और सॉफ्टली बटर को मेल्ट होने दीजिए। अब इसमें डाल देते हैं भुट्टे, ये देखिए भुट्टे डाल रही हूँ, कैसे बटर इनमें समा रहा है और भुट्टे हमारे बढ़िया से पकने वाले हैं। इन्हें बटर में बहुत अच्छे से आप 1 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पर इस तरह से चलाते हुए पकाइए यानी सौते कीजिए। तो देखिए मुझे थोड़ा लालच और आ गया है तो मैंने इसमें बटर थोड़ा और ऐड कर दिया है, तो बटर आपके ऊपर, हम बटर भुट्टा बना रहे हैं थोड़ा बटर वाला फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो मैंने और मक्खन ऐड कर दिया है। अब ये 2 से 4 मिनट में मीडियम आंच पर बटर में सौते कर रही हूँ, और साथ ही मैं ये मसाले भी ऐड कर देती हूँ, जो सिंपल से मसाले हैं, चाट मसाला है, थोड़ी मिर्च है, नमक है, साथ में हमने अजवाइन डाली है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप घर पर आमचूर पाउडर रखा रहता है वो ऐड कर सकते हैं, वैसे हम बाद में नींबू भी निचोड़ेंगे, चटपटा और बनाएंगे। तो देखिए बस हमारा मक्खन जो है जलना नहीं चाहिए, हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए, तो आंच को आप कम ही रखिए थोड़ा थोड़ा। तो टोटल हमें लगेंगे 8 मिनट 10 मिनट, पहले हम सेकेंगे इसे सिर्फ मक्खन में, और जब थोड़े से सिक जाएगा 4-5 मिनट तो हम इसे 4-5 मिनट सेकेंगे मसालों के साथ। साथ में इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड कर रहे हैं जो कि फ्रेशनेस भी ऐड करने वाला है। जब ये बटर में पकेगा हरा धनिया तो क्रिस्पीनेस आएगी, जो धनिया के पत्ते हैं क्रिस्पी हो जाएंगे और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास नहीं है स्किप कर दीजिए, बिना उसके भी बन जाएगा। बस थोड़ी देर चलाइए, जब आपको लगे कि देखिए रंग गहरा गया है हमारा भुट्टा पक गया है, 5 मिनट देखिए घड़ी में, सेकिए मीडियम आंच कीजिए और देखिए कितना बढ़िया से हमारे भुट्टे एकदम बढ़िया से पैन फ्राइड रेडी हैं बटर में। अब देर नहीं लगा रहे, इनको सर्व भी कर देते हैं ताकि ये गर्मा गर्म जो खाने का मज़ा है ना वो बाद में नहीं आने वाला। तो चलिए इन्हें सर्व कर देते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म भुट्टों को मैं कर रही हूँ सर्व, ये देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं और कलर कितना अच्छा है, येलो भुट्टे पे हरा रंग भी है और थोड़ा चिली का रेड कलर भी है, मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करने वाले हैं,
शाम की भूख हो, आपका मन करे शाम को कुछ अच्छा खाने का लेकिन लाइट खाने का, तो आप ये खा सकते हैं। आपने कहा, आप कहेंगे यार मक्खन डाला है, इतना हैवी है, क्यों भाई अब कम मक्खन डाल लीजिए, और मक्खन इतना सारा भी क्या डाला है, दो भुट्टे बनाए हमने, और ऊपर जो ये बटर हमारा बचा है ना मसाले वाला, इसे भी ज़रूर डालिए, इसी में सारा स्वाद है चाट मसाले का। तो लीजिए गर्मा गर्म भुट्टे रेडी हैं। अब ये सर्व करने से पहले थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूंगी ताकि खा कर मज़ा आ जाए, क्योंकि जब हम भुट्टे खाते हैं तो नींबू ऊपर एक बार फिर से निचोड़ कर खाने का अपना ही मज़ा है। पहले तो हमने चाट मसाला ऐड किया था, पर अब ताज़ा ताज़ा नींबू निचोड़िए और गर्मा गर्म खाइए। ये देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ थोड़े से नींबू के टुकड़ों के साथ, थोड़े चाट मसाले और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर के साथ। कुछ लोगों को बहुत तीखे एकदम लाल लाल भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑप्शनल है, आप साथ में मिर्च सर्व कर सकते हैं, जिसे जैसे पसंद हो वैसे खाएं। मैं तो इसका बटर वाले भुट्टे का मैं सच बोलूँ वेट नहीं कर पा रही, हालांकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं सोच रही हूँ खाऊँ ना खाऊँ, पर अरे रुका नहीं जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुँह में एकदम बॉम्ब फूट गया है स्वाद का सच बताऊँ तो। और थोड़ा मिर्च और डाल लेती हूँ, वैसे काफ़ी मसाले हैं इसमें, ज़रूरत नहीं है ऊपर से डालने की, पर थोड़ा तीखा करके देखती हूँ। अरे वाह, ये और भी टेम्पटिंग लग रहा है, कलर कितना अच्छा आ रहा है, जूसी भी है, बटरी भी है, जूसी बहुत है, वाकई बहुत ही अच्छा है। चंद ही मिनटों में बनने वाली बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। भुट्टे लाइए, मन मत मारिए, अभी जाइए बाजार, घर पर रखें तो खड़े होइए, अभी बनाइए, इतनी अच्छी रेसिपी, सोचना क्या। अच्छी लगी है रेसिपी तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस रेसिपी को बनाकर मज़े ले सकें। और हाँ, वीडियो आपने देखा पसंद किया उसका आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।